I was put in front of every future nursing officers. That is myocardial infection. Myocardial infection का मैं दूसरा नाम भी यहाँ पर put किया है, acute myocardial infection और heart attack. देखिए कुछ meaning को मैं verify करने की कोशिश करता हूँ. Myo word कहीं पर भी आता तो याद रखना muscle. Myo word कहीं पर भी आता तो muscle. Cardia word कहीं पर भी आता तो heart. Infraction word कहीं पर भी आता है तो meaning होता है depth of सेल एंड टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हियर यू कैन सी एवरीवन मायो मींस दैट इज अ मसल कार्डिया मींस दैट इज अ हार्ट हार्ट की मसल डाई हो जाना इन्फेक्शन का मतलब डेथ ऑफ सेल और टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट कंडीशन वी कैन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन दैट इज द मीनिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो इसको हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं बच्चों हार्ट अटैक कह सकते हैं आपने कई बार सुना होगा कि शाम को तो बड़े अच्छे थे अच्छे से बात कर रहे थे और बात करते करते सो गए थे. सुबह जब चाय के लिए उनको आवाज दी तो रिस्पॉन्स नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई. फिर हम कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया. सुनाए बच्चों ऐसा क्यों होता. मैं एक बहुत राज की बात आपको बताता हूं. स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप जब आप सो रहे होते ना तो आपकी बॉडी जो है लेस एक्टिविटी पे. मतलब जब आप सो रहे होंगे ना बच्चों उस समय आपके बॉडी के ऑर्गन भी धीरे 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 रिलैक्स हो जाते हैं. मतलब स्लो हो जाती है बच्चों ब्लड सप्लाई. और ब्लड सप्लाई स्लो होने की वजह से यदि हार्ट के तरफ जाने वाली आर्टरीज में छोटा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ब्लड सप्लाई स्लो होने की वजह से ब्लड हार्ट की तरफ जाना बंद हो जाएगा. और जब ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जाएगा तो हार्ट की सेल और टिश्यूज की डेथ हो जाती है और पेशेंट की भी डेथ हो जाती है. जब हम एक्टिविटीज करते हैं व्हेन वी वॉकिंग व्हेन वी आर टॉकिंग व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो हार्ट का अपना ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट होता है और फ्लक्चुएट होने की वजह से यदि कोई माइनर ऑब्स्ट्रक्शन आपकी आर्टरीज में है तो फ्लो उसको फर्दर क्रैक करके मूव कर लेता है. और जब आप रात को नींद में होते हो तो आपका हार्ट का ब्लड ऐसे चलता है धीरे 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 चलता है और एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो ब्लड वहीं रुक जाएगा जिसकी वजह से कार्डिक सेल और टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं होगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कार्डिक सेल और टिश्यू डाई हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है. एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रात को डेथ क्यों होती है. पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा अब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन क्या बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ एमआई आपको आंसर लिखना होता है 2 to 4 AM. ध्यान से देखना बच्चों ये एग्जाम का एमसीक्यू मैंने पुट किया है. क्वेश्चन पूछेंगे हार्ट अटैक आने का मोस्ट कॉमन टाइम क्या है तो मैंने आंसर क्या लिखा है सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 to 4 AM. Because we are in deep sleep. गहरी नींद में होते हैं. सुबह 2 से 4 बजे आप कभी जग के ट्राई करना. सुबह
दो से चार बजे आप जग के ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है, आपके आईज को ना क्या बोलते हैं टोसिस होने लगता है, आई बॉल जो है उसको आईलिड कवर करने लगती है। ये ऐसा टाइम होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड रुक गया तो हम भी भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि MI होने का मोस्ट कॉमन है, MI कभी भी हो सकता है बट मोस्ट कॉमन, ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि रात को तो बेटे की शादी की बात करते करते सोए थे और सुबह जब चाय लेके गए तो आंख ही नहीं खुली। ये खेल कब हुआ है? ये खेल हुआ रात को दो से चार बजे जब पेशेंट डीप स्लीप होता है, ब्लड बिल्कुल स्लो हो जाता है और लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लड को रोक देता है। That concept clear? ये concept समझ में आ गया बच्चों? That you understand everyone? Okay, fine. तो ये कुछ MCQ आपसे पूछे जाएंगे, तो आप बताइएगा कि रात को MI क्यों आता है? आज के बाद ये doubt clear हो जाना चाहिए future nursing officers. कितने बजे आता है? दो से चार बजे आता है, क्यों आता है उसका reason आपके पास होना चाहिए। That you understand everyone? Okay, fine. Next carry on करते हैं कि क्या है myocardial infection, क्या है acute MI और क्या है heart attack. एग्जैक्टली यदि देखें इस पैरामीटर को शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम एनाटॉमी फिनिश कर चुके हैं, ECG पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक में क्या क्या और बन सकता है MCQ। हार्ट डे में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का MCQ है कि एवरी ईयर हार्ट डे हृदय दिवस कब मनाया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया था बच्चों, 29 सितंबर एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट डे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन नॉर्सेट 2020 में, ये नॉर्सेट 2020 में पूछा हुआ है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। तो आपको आज के बाद आंसर लिखना 29 सितंबर इन एवरी ईयर। एक ही MCQ बनेगा, एक MCQ बनेगा, एक और क्वेश्चन बनेगा, थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2022। मैंने टाइगर क्लास में भी जिक्र किया था, थीम जो है, पहली बात तो थीम कौन देता है? WHO देता है। कौन देता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। और 2022 का थीम था यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, अपना हृदय सभी दिल के लिए यूज करें। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये 2022 का वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है। MCQ बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये MCQ बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अपना दिल यूज करें। हमेशा कहता हूं ना मैं, सुनो सबकी करो मन की। यदि अड़ोसी पड़ोसी कोई आपका नियरेस्ट और डियरेस्ट आपको कि कह रहा है यार तेरी नौकरी नहीं लग रही है, तेरा ऐसा नहीं हो रहा है, तो उनकी सबकी सुनो, करो अपनी मन की, अपने दिल की सुनो, क्योंकि जो आज आप इतिहास रचने जा रहे हो ना, वो आज तक आपके परिवार में किसी ने नहीं रचा है। आने वाले टाइम में आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो और उस इतिहास रचने की प्रक्रिया में आप मेहनत कर रहे हो, उसी पाथवे पे आप चल रहे हो जो आज तक शायद किसी ने आपकी फैमिली में नहीं किया होगा, उसको करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। तो नेगेटिव्स तो लोग अपने आसपास होंगे ही, आसपास जो है नेगेटिव लोग तो होंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और मजेदार बात बताता हूँ, इन वर्ल्ड, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर कैरिश बर्नार्ड इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3rd December 1967 एट ग्रूट स्कोर हॉस्पिटल कैपटाउन साउथ अफ्रीका में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगेन एग्जाम का MCQ बन सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ, पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ। तो आपको आंसर लिखना है कि ये स्पेशली जो है वो कैपडाउन हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और कैपडाउन में कब हुआ? 1967 बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स।
अंडरस्टैंड एवरीवन रोशन 2021 में थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट एवरीवन। थैंक यू महिमा, ये नोट कर लेना रोशन, यूज हार्ट टू कनेक्ट एवरीवन। अपने दिल को यूज करके हर किसी से कनेक्ट हो जाओ, ये 2021 का थीम था। बच मैं यहां बात कर रहा हूं 2022 का। ओके फाइन, नेक्स्ट लिखा भारत, हम इंडियन है, कॉपी पेस्ट में माहिर है, जैसे जैसे आप क्लास में आंसर देते हो। तो 1967 में वर्ल्ड में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, बट 1968 में डॉक्टर पी के सेन इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, किंग एडवर्ड्स हॉस्पिटल मुंबई। ये दो पैरामीटर मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी पूछते कि वर्ल्ड में कब हुआ, इंडिया में कब हुआ, और वर्ल्ड में होने के बाद इंडिया में, है ना। तो वर्ल्ड में जो 1967 में हुआ, इंडिया में 1968 में हो गया। वर्ल्ड में जो केपटाउन में हुआ, इंडिया में जो है मुंबई में हुआ। तो ये पैरामीटर आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। या बिल्कुल मनु सालियाल लॉग्स। तो फाइनली हार्ट अटैक को स्टार्ट करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमने देखा एमआई के बारे में, अब मैं एमआई क्या है अब कैरी ऑन करता हूं। और एमआई एग्जैक्टली इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ हार्ट कैन कॉज हार्ट सेल टू डाई। सीधा हार्ट अटैक मतलब आपके हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई है, मैंने आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी, यह आपका हार्ट है। और यदि हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या हो रही है बच्चों, इंटरप्ट हो रही है, जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट हार्ट को नहीं जा रहा है, तो हार्ट के सेल और टिश्यूज क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। आगे मैं कॉजेज में और अच्छे से बताने वाला हूं, बट यह सिंपली आई विल डिस्कस विद यू कि क्या होता है हार्ट अटैक। डेथ ऑफ सेल और टिश्यू ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, हार्ट के सेल और टिश्यूज की डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स यू हार्ट। हार्ट की तरफ आने वाले ब्लड का इंटरप्शन, हार्ट की तरफ आने वाले ब्लड सप्लाई का रुक जाना, कम हो जाना, हार्ट के सेल और टिश्यूज की डेथ हो जाना, ये हार्ट अटैक कहलाता है। ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहलाता है, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शुक्रिया रश्मि। अब देखिए चार एमसीक्यू बताऊंगा, ध्यान रखना, चार एमसीक्यू बताऊंगा। अब हमें सबको पता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हमें सबको पता कि कारण क्या हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता कि हार्ट अटैक होने के अगले कुछ घंटों में अपने दिल के साथ क्या बीतती, अपने हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, अपने हार्ट में नेक्रोसिस कब होता है, अपने हार्ट में माइक्रोफेजेस कब डेवलप होता है, अपने हार्ट में सेल और टिश्यू डाई होने के बाद डब्ल्यूबीसी कब बढ़ता है। हर एक लाइन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, चेंजेस अकर आफ्टर एमआई। यदि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, एमआई हुआ है, तो एमआई होने के बाद में आपके हार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जस्ट लिसन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अंटिल 6 आवर, अगले 6 घंटे तक, एमआई आने के अगले 6 घंटे तक, अंटिल 6 आवर अपियर ब्लू और स्वेलॉन, मतलब जहां जिस एरिया, सपोज ये आपका हार्ट है, अगेन दिस इज योर हार्ट। अब इस हार्ट की ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई में जहां पर पेशेंट को एमआई हुआ है, मतलब वहां ऑब्स्ट्रक्शन तो था, तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है, हार्ट का जो बचा हुआ हिस्सा जहां ब्लड सप्लाई जा रही थी, वहां पर क्या होगा, वहां ब्लूशनेस डेवलप होगा। वहां पर क्या होगा, स्वेलॉन डेवलप होगा। ये चेंजेस होगा अंटिल 6 आवर आफ्टर एमआई, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि अंटिल 6 आवर आफ्टर एमआई क्या चेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे, तो वी कैन पुट द राइट आंसर, ब्लूइशनेस डेवलप होगा और हार्ट स्वेलॉन हो जाता है। हार्ट क्या हो जाता है, स्वेलॉन हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ब्लू एंड स्वेलॉन होगा, बिल्कुल सही। अब देखिएगा बदमाश बच्चों, नेक्स्ट आफ्टर 24 टू 48 आवर्स
इनफेक्ट टर्न ग्रे विथ येलो स्ट्रैक्स डेवलप एज अ न्यूट्रोफिल एलिवेट टिश्यू. मतलब क्या होगा, जो ब्लूइश था वो कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा. वो एरिया क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आफ्टर 24 to 48 hours. और एक शब्द लिखा है पेशेंट को, न्यूट्रोफिल जो है ये इन्वेड होने लगेगा, ये इन्वेड होने लगेगा. अब क्वेश्चन कैसे पूछते, यहां क्या लिखा, आफ्टर 24 आवर. 24 आवर तक क्या था, वन डे. 24 आवर तक क्या था, वन डे. आफ्टर 24 आवर का मतलब कौन सा डे बच्चों, सेकेंड. आफ्टर 24 आवर्स के बाद कौन सा डे आता, सेकेंड. तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछते हैं, सेकेंड डे ऑफ MI WBC इंक्रीज, WBC इंक्रीज 20,000 सेल पर MMQ. क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में पूछे, थैंक यू दीक्ष कांत, शुक्रिया मेरा बच्चा, ये आपका प्यार है. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कंपटीशन में कैसे पूछेंगे कि MI के कौन से डे WBC बढ़ता है, तो मेरे बच्चों आंसर क्या लिखोगे, सेकेंड डे. आंसर क्या लिखोगे, सेकेंड डे. MI के आफ्टर 24 आवर्स WBC बढ़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों न्यूट्रोफिल इन्वेड हो रहा है. न्यूट्रोफिल इन्वेड हो रहा मतलब इंफ्लेमेटरी प्रोसेस वहां पर डेवलप हो रहा है. आपसे आवर्स में पूछे तो आफ्टर 24 आवर्स, आपसे डे में पूछे तो सेकेंड डे ऑफ MI, सेकेंड डे ऑफ MI. पूछते कभी कभी कितना बढ़ता है, 20,000. नॉर्मली अडल्ट की मैं बात करूं, अडल्ट की बात करूं तो 4,000 से 11,000 जो है सेल पर MM³ होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है. मैं अडल्ट की बात कर रहा हूं, एज वाइज बताऊंगा, अलग अलग वेरिएशन आएगा. अब ये 4,000 से 11,000 होना चाहिए, बट ये कितना हो रहा है, 20,000 तक जा रहा है. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ. व्हेन विल WBC इंक्रीज आफ्टर MI, सेकेंड डे. हाउ मच, 20,000, मोर देन 20,000 आप लिख सकते हो, 20,000 ज्यादा आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ये चीज अपने नोटबुक में जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो जो मैं आपको एडिशनल पैरामीटर शेयर करता हूं, जो भी टीचर आपको एडिशनल बातें बताते हैं, वो एडिशनल वो चीजें होती है जो एग्जाम में पूछी हुई होती है. और हम ट्राई करते हैं कि हम जिस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें मिले वो आपको शेयर करें. तो अपनी नोटबुक में जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप देखना नोटबुक में इस तरीके से, जो आपकी नोटबुक है ये जो खाली एरिया रेड लाइन के ऊपर, या नोट करके लिख लेना, या नोट करके लिखना, वो सीधा खोपड़ी में नोट हो जाएगा. कभी भी आपको कोई नींद में उठा के पूछेंगे ना, आपके पास आंसर होगा. आज कोई आपसे पूछे कि MI का मोस्ट कॉमन टाइम क्या, बोलोगे सर 2 से 4 बजे सुबह. क्यों, आप कहोगे पेशेंट डीप स्लीप में होता है, आप नहीं भूलोगे. आपसे पूछे MI होने के अंटिल 6 आवर में क्या चेंजेस होता है, आप कहोगे सर ब्लूइश और स्वेलन होता है. आपसे पूछेगा हार्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर, आप नहीं भूलोगे. आप WBC कब बढ़ता है, सेकेंड डे. WBC कब बढ़ता है बच्चों, सेकेंड डे. ओके फाइन, अगली एक और मजेदार, एक और मजेदार बात. 8 to 10 days ग्रेनुलेशन और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं अगले 8 से 10 दिन. अभी आपका हार्ट जो है ना, वहां नेक्रोसिस पूरी तरीके से नहीं हुआ, नेक्रोसिस पूरी तरीके से नहीं हुआ. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दीपिका राजपूत, मेरा बच्चा यही तो JNC की खासियत है, 30 दिन में 30 दिन पढ़ना, नो वेकेशन, नो फ्लेक्सिबिलिटी, टारगेट नॉर्सेट, नॉर्सेट के बिहा पे कभी भी छुट्टी की ऑप्शन नहीं होती है. 8 to 10 days ग्रेनुलेशन एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं. देन ओवर 2 to 3 months नेक्रोटिक एरिया डेवलप इनटू द स्कार. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है. देखिए पूरी तरीके से सेल और टिश्यू जो है, जहां पेशेंट को MI हुआ है, जहां पेशेंट को MI हुआ है, तो पूरी तरीके से नेक्रोसिस कब डेवलप होगा, नेक्रोसिस और स्कार जो है 2 to 3 months, 2 to 3 months, 2 से 3 महीने. क्यों, नेक्रोसिस का कॉज क्या होता है, इसीमिया. नेक्रोसिस का कॉज क्या होता है, इसीमिया होता है बच्चों. तो 2 से 3 महीने पे जाकर के पूरी तरीके से आपका जो है स्कार फॉर्मेशन होता है. एक और मैं एक लॉजिक आपको क्लियर करना चाहता हूं. आपने कई बार ये भी सुना होगा बच्चों, कई बार आपने ये सुना होगा फर्स्ट MI, फिर आपने सुना होगा
सेकेंड एम आई, फिर आपने सुना होगा थर्ड एम आई, सुना होगा ना मेरे बच्चों कि तीसरा हार्ट अटैक आएंगे तो चले जाएंगे। अभी तो पहला आया, फिर हम कहेंगे दूसरा आएगा, फिर हम कहेंगे तीसरा आएगा, तब तक बच्चे की शादी करवा देते हैं, तीसरे हार्ट अटैक के बाद में ये रहने वाले नहीं है। इस तरीके का प्रिडिक्शन हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और ये विलेजेस में बातें बहुत कॉमन है और उनका बहुत ही मतलब थ्योरेटिकल चीजें वो बोलते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब भी एक बार आपके पेशेंट की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है हार्ट की, एक बार जब हार्ट की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है तो लगभग आपका हार्ट जो है वो 30% डैमेज हो जाता है। हमारे पास हार्ट जो 100% था, उस 100% में 30% डैमेज हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने के बाद में भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने के बाद पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, और सेकेंड टाइम और कोई यदि आपको एमआई हुआ तो फिर 30% चला गया, 60% हट गया, 60%, अब 40% अपना हार्ट काम कर रहा है। बेचारा 310 ग्राम वजन का, महिलाओं में 225 ग्राम वजन का हार्ट, और अगली तीसरी बार हुआ तो फिर 30% चला गया, बचा कितना 10%, और 10% हार्ट जो है कांट सर्वाइव, 10% हार्ट काम नहीं करता है, उससे आपके बॉडी के ब्लड का वर्कलोड झेला नहीं जाता है। तो 30, 30, 30, तो तीसरी बार तो जाना ही होता है ना। इसलिए You should be healthy always, हमेशा अपने आप को हेल्थी रखना। मैं क्लास में भी कहता हूं कि बच्चों, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती कि मैं आखिरी क्षण तक मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को टीच करता रहूं, क्योंकि वक्त जो है कब बुला लेगा किसी को नहीं पता है। बट कुछ ऐसा करके जाओ कि हमेशा दुनिया आपको याद करे, और उसके लिए निस्वार्थ भाव से, मन से, दिल से किसी के फ्यूचर बनाने में वक्त लगाओ, पेड़ को बड़ा करने में वक्त लगाओ, कल वो पेड़ छाया भी देगा, वो पेड़ फल भी देगा। और एक अच्छे टीचर की हमेशा यही सोच होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं कर रहा हूं, बस उसका फ्यूचर बन जाए, उसकी लाइफ बन जाए। वक्त कब बुला ले किसी को नहीं पता बच्चों, है ना। तो ये तो बात होगी, मैंने कुछ बेसिक चेंजेस की आपकी बात की। अब मैं आगे जाता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इटियोलॉजी। अब मैं बात करता हूं कि वो कौन कौन से बदमाश फैक्टर है जो हार्ट अटैक करते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन कौन है, एग्जाम में क्या पूछते हैं। आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जो एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने आपको साथ साथ में डिस्कस कर ली। मैं ले चलता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इटियोलॉजी की तरफ। सबसे पहले लिखा एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी मैंने क्या लिखा, एथ्रोस्क्लेरोसिस। देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और आपको पता बच्चों आपकी ब्लड वेसल्स की तीन लेयर है, आपकी ब्लड वेसल्स की तीन लेयर है। एवरीबॉडी, तीनों लेयर को मैं हमेशा कहता हूं, अंदर वाली को ट्यूनिका इंटीमा, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाली का ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और इस ब्लड वेसल्स के बीच में जो खाली एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन कौन सा जगह, जहां पर ब्लड ट्रबल करता है, जहां पर ब्लड ट्रबल करता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये ल्यूमन वाला एरिया है जहां पर आपका ब्लड ट्रबल करता है, दिस इज द ल्यूमन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये मैं बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यदि मैं बात करूं एथ्रोस्क्लेरोसिस की, यदि मैं बात करूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एथ्रोस्क्लेरोसिस की, तो ये अगेन आपकी ब्लड वेसल्स है, ये अगेन आपकी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स की तीन लेयर है, तीन लेयर है। और याद रखिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसी ब्लड वेसल्स में यदि फैट और लिपिड का डिपोजिशन हुआ, यदि फैट और लिपिड का डिपोजिशन हुआ, तो फैट और लिपिड के डिपोजिशन के साथ में आपके ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी ट्रबल कर रहा है, आपके ब्लड में जो प्लेटलेट है, और प्लेटलेट जाकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, क्लंप हो जाएगा। और प्लेटलेट जब इसके साथ क्लंप हो जाएगा, तो फर्दर जो ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एथ्रोस्क्लेरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एथ्रोस्क्लेरोसिस कहेंगे। मतलब आपके ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में ये जो एरिया था, जब बड़ा अच्छा खासा ब्लड जा रहा था, और यहां धीरे धीरे फैट और लिपिड के डिपोजिशन होने की वजह से ये ल्यूमन नैरो हो गया। और ल्यूमन नैरो क्यों हुआ, क्योंकि यहां फैट और लिपिड का डिपोजिशन हुआ, जब ब्लड वेसल से ब्लड ट्रेवल करा तो प्लेटलेट आकर के इसके ऊपर क्लंप हो गया,
थैंक यू दीपा, प्लेटलेट आकर के इसके ऊपर क्लब हो गया और ल्यूमन का साइज क्या कर दिया नैरो। जितना ब्लड हार्ट को जाना चाहिए उतना ब्लड हार्ट को नहीं जा रहा है, जो नहीं जा रहा तो हार्ट की कार्डिक सेल और टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे, क्या कॉज हो जाएगा, MI हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं लिख रहा हूं, इसका मीनिंग लिख रहा हूं, फैट एंड लिपिड, लिपिड, फैट एंड लिपिड डिपोजिट, डिपोजिट इन टू ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स, ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। तीन चार चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहा हूं। थैंक यू शेली। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, एक और कभी कभी पूछता है, यही जो है मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉज फॉर आर्टीरियल डिजीज, आर्टीरियल। जब भी कोई आपको आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम होता है तो आर्टीरियल डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। मोस्ट कॉमन कॉज कौन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी आर्टीरियल डिजीज की बात मैं करूं, चाहे CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, देन आयोटिक एनुरिज्म, आयोटिक एनुरिज्म। ये मैं आर्टीरियल डिजीज की बात कर रहा हूं, आर्टीरियल डिजीज की बात कर रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो कोई भी आर्टीरियल डिजीज आपकी बॉडी में होती है तो सबसे पहला, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछें तो आंसर क्या लिखोगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। आपसे पूछेंगे विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एनुरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर? यही बदमाश सबसे ज्यादा बदमाशी करता है आर्टीरियल डिजीज के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। थैंक यू सो मच काजल सक्सेना। ओके फाइन, अब ले चलता हूं फर्दर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आया बच्चों कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। देखिए आपको मैंने हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी और हार्ट को ब्लड कौन सी आर्टरी दे रही थी, हार्ट को ब्लड कौन सी आर्टरी दे रही थी, कोरोनरी, याद है, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी, जस्ट रिमेंबर, आयोटा, असेंडिंग आयोटा, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर रिस्पॉन्सिबल सप्लाई ब्लड टू द राइट साइड, लेफ्ट कोरोनरी हैव फर्दर टू ब्रांचेस, एंटीरियर डिसेंडिंग सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। याद करना बच्चों ब्लड सप्लाई को, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी और कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से उसमें क्या डेवलप हो जाता है, एम्बोलिज्म को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, एम्बोलिज्म को बोलते हैं बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, बंशी का प्लेटलेट जो है लिपिड और फैट के साथ क्लंप बना लेता, इजिली क्लंप बना लेता। यदि कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कॉज क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन। और यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल कॉज फॉर हार्ट अटैक एग्जाम का MCQ, तो आपको आंसर लिखना है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो आपको लिखना है एथेरोस्क्लेरोसिस। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पहले एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ तो कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हुआ, और कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हुआ तो पेशेंट को हार्ट अटैक आया, पेशेंट को हार्ट अटैक आया। माय लविंग फ्यूचर रोशन, वेट एंड वॉच बेटा, मैं आऊंगा आऊंगा जब MI बढ़ाऊंगा तो ब्लड सप्लाई रिपीट करूंगा। पहले आपको यहां समझना, पहले जो आपको जो बता रहा हूं ना उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो MI का मोस्ट कॉमन कॉज है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लिखा बच्चों मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज, एग्जाम का MCQ है, एग्जाम का MCQ है कि कोरोनरी आर्टरी में मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज क्या होगा, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। और लिपिड जो है या फैट का डिपोजिशन होता है, ये भी एग्जाम का MCQ, ये भी एग्जाम का MCQ। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज इन अ कोरोनरी आर्टरी, आंसर लिखना थ्रोम्बस एंड लिपिड। थ्रोम्बस क्या होगा, ब्लड क्लॉट, और ये कौन करेगा, ये प्लेटलेट करेगा, कौन करेगा, प्लेटलेट करेगा। लिपिड्स कौन होगा, फैट होगा, लिपिड्स कौन होगा, फैट होगा। तो आपको ऐसा पूछेंगे मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज, आंसर लिखना थ्रोम्बस एंड लिपिड। मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, कोरोनरी आर्टरी का मोस्ट कॉमन पूछे तो एथेरोस्क्लेरोसिस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट,
किसी बच्चे को कोई डाउट, ओके फाइन, क्योंकि यूनिट पूरा होते ही मिलेगा जबरदस्त एमसीक्यू पेपर आपको आपके ऐप में। और जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, जितने एमसीक्यू आपको मिले पूरे पूरे आपको आने चाहिए, पूरे पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसका मतलब हम जो एफर्ट लगा रहे हैं आप और हम मिल करके बहुत अच्छी जा रही है। इसलिए एक एक पैरामीटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एनीमिया, देखिए एनीमिया का मतलब होता है, एनीमिया का मीनिंग देखिएगा, डिक्रीज प्रोडक्शन। एनीमिया का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग डिक्रीज O2 carrying capacity, that condition we can say anemia. Anemia का मतलब होता है कि हमें RBC का production नहीं होगा तो O2 carry नहीं होगा। Definitely heart को क्या चाहिए? Heart को क्या चाहिए बेटा? दिल को चाहिए oxygen। दिल को क्या चाहिए? Oxygen। और oxygen कौन carry करता? Blood। Blood में कौन carry करता? Hemoglobin। कौन करता? Hemoglobin। जब anemia होगा तो already hemoglobin कम है, already hemoglobin कम है। समरीन यूनिट पूरा होने के बाद, समरीन बहुत बड़ा यूनिट है, यूनिट पूरे होने के बाद एनीमिया, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, दैट्स क्लियर एवरीवन। इसके अलावा हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू टिश्यू, दैट इज अ हाइपोक्सिया। जब ऑलरेडी आपके टिश्यू में ऑक्सीजन कम है तो सेल और टिश्यू डाई होंगे, तो हाइपोक्सिया भी हार्ट अटैक कॉज करता है। Then severe stress on heart, pressure of any coronary artery disease, heart पे कोई pressure पड़ना due to coronary artery disease, जिसकी वजह से heart is cannot able to pump, cannot able to contract or relax, तो patient को क्या हो सकता है? MI, क्या हो सकता है? MI। अब ये तो मैंने जितने भी parameter आपको बताया ना बच्चों, MCQ वहां बनता है, question यहां बनता है, question most common बनता है, ये सारे MCQ, बट आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई इटियोलॉजिकल फैक्टर। एक शब्द आपने सुना होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देखिए, रिस्क फैक्टर का पहले मीनिंग समझाता हूं कि ये है क्या रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है इट मे बी या इट माइट बी, माइट बी, इट मे बी ओ, इट मे बी ओ, इट मे नॉट बी लिख सकते हो, या इट, इट मे नॉट बी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। भाई आप कोई भी वर्क करते हो ना तो जरूरी हो अच्छा हो या बहुत अच्छा हो, अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हो सकता नहीं आए, हो सकता नहीं आए, बट आ सकता, हो सकता नहीं आए, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। मैं किसी भी डिजीज की यदि बात करूं तो रिस्क फैक्टर हमेशा रिस्क कॉज करते हैं, हमेशा रिस्क कॉज करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड यूज किया है, मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मोडिफिएबल का मतलब होता है इट कैन मोडिफाइड, इट कैन मोडिफाइड का मतलब इट कैन क्योर या इट कैन ट्रीट, इट कैन मोडिफाई, दीज आर द मोडिफिएबल। मोडिफिएबल का मतलब है वो फैक्टर जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, उन फैक्टर को यदि हम मोडिफाइड करें, उन फैक्टर को यदि मोडिफाइड करें तो इट मे बी कैन कॉज। रोशन, जब इन्वेस्टिगेशन में आऊंगा ना रोशन, तो मैं लो डेंसिटी हाई डेंसिटी के बारे में जिक्र करूंगा। मेरा बच्चा जिस टॉपिक के बारे में बात करें उस पर आनंद उठाओ, उसको सुनो, उसको समझो। जब मैं इन्वेस्टिगेशन आऊंगा, कोलेस्ट्रॉल भी बताऊंगा, HDL भी बताऊंगा, LDL भी बताऊंगा, बहुत कुछ है। आप खुद हाथ खड़ा कर दोगे कि सर अब बस हो गया, है ना। तो इसलिए सब्र रखें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप जितना सोचते ना उसने 50 गुना ज्यादा बता के जाऊंगा। बट इस तरीके से आप अपने आप को डाइवर्ट मत करो। मैं बात कर रहा हूं रिस्क फैक्टर की, और जब रिस्क फैक्टर में कोई चीजें आएगी मैं जरूर डिस्कस करूंगा, है ना। तो रिस्क फैक्टर की बात की तो रिस्क का मिलेगा मोडिफाइड रिस्क, इट कैन मोडिफाइड,
इट कैन मॉडिफाइड, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मतलब हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। सबसे पहले क्या, हाइपरलिपिडीमिया। यदि पेशेंट का लिपिड्स जो है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है, जिसको हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। लेवल बढ़ रहा मतलब नॉर्मली लिपिड्स का लेवल आपके ब्लड में 0.6 मिलीमोल पर लीटर होता है, ये नॉर्मल है। आपके ब्लड में नॉर्मल जो है लेवल जो है दैट वी कैन से 0.6 मिलीमोल पर लीटर होता है, और लिपिड्स का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लिपिड का मतलब फैट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू सुदेवी। अब क्या होता है बच्चों, लिपिड्स ज्यादा है तो उसपे कंट्रोल किया जा सकता है, लिपिड्स के लेवल को कम किया जा सकता है। इट कैन मॉडिफाई मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं मॉडिफिएबल फैक्टर बता रहा हूं, फिर पूछूंगा एमसीक्यू कैसे बनता है, वो भी बताऊंगा आपको। मैंने एक फैक्टर लिखा है हाइपरलिपिडीमिया, दैट वी कैन से 0.6 मिलीमोल पर लीटर, यदि लिपिड्स का लेवल बढ़ा है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, अंडरस्टैंड एवरीवन। लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर आर्टीरियल डिजीज। मैंने अभी आपको क्या कहा था बदमाश बच्चों को, कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज आर्टीरियल डिजीज का। बट यदि आप स्मोकिंग करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, तो सिगरेट कहते हैं इंजीरियस टू द हेल्थ, यह आर्टरी की धज्जियां उड़ा देती है, कोई भी पेशेंट को आर्टीरियल डिजीज होता है तो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है, स्मोकिंग। और यदि स्मोकिंग किसी को है, हैबिट्स है, तो उसको आर्टीरियल डिजीज हो सकता है, स्मोकिंग को बंद किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, स्मोकिंग को देखिए, मैंने कहा स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द आर्टीरियल डिजीज, और मैं बात कर रहा हूं मॉडिफिएबल। हम स्मोकिंग को सजेस कर सकते हैं, हम स्मोकिंग को एब्सेंट कर सकते हैं। अभिनीता शुक्रिया। तो स्मोकिंग जो है वो एक तरीके से मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। देन हाइपरटेंशन, इट मे कैन कॉज, हाइपरटेंशन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डायबिटिक मेलाइटस, एग्जाम का एमसीक्यू, डायबिटीज मेलाइटस सीन साइलेंट एमआई, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि डायबिटीज को ट्रीट किया जा सकता है। यदि डायबिटीज मेलाइटस है पेशेंट को, तो आपको बता दूं डायबिटीज मेलाइटस की वजह से कैपिलरी डैमेज होता है, कैपिलरी जो है वो डैमेज होता है, और जब कैपिलरी डैमेज होगा तो आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक दिन भगवान के प्यारे हो जाओगे, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो है क्या कॉज कर सकता है, एमआई तो करता है, साइलेंट एमआई, दर्द का एहसास भी नहीं होगा और भगवान के पास चले जाओगे, क्योंकि लगातार यदि आपको डायबिटीज है तो आपको रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी आर्टरी कैपिलरी डैमेज हो जाता है, और एक दिन बिना दर्द हुए ही ऊपर पहुंच जाते हो। तो यदि किसी को डायबिटीज है तो ट्रीट किया जा सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी है, अदरवाइज पेशेंट को क्या हो सकता है, साइलेंट एमआई। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि साइलेंट एमआई सीन इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि शुगर का लेवल यदि लगातार बढ़ा हुआ है तो आप कैपिलरी और आर्टरी को डैमेज करते हो, और कैपिलरी और आर्टरी आपका डैमेज होता है तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो सेल और टिश्यूज की डेथ होगी और आपको एमआई हो सकता है, ओके फाइन। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा ओबेसिटी, जिसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स मोटे बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे आप नर्सिंग पूरा कर लेते हो, नर्सिंग पूरा करने से लेके आप नौकरी तक जो स्ट्रगल करते हो ना ढंग से खाना खाते हो, स्ट्रेस बहुत सारा रहता है, तनाव में रहते हो, तो आप फिट रहते हो, मोटापा कब आता है पता है,
जब पहली तनख्वाह, दूसरी तनख्वाह, तीसरी सैलरी आपके खाते में आने लगती है, आप ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी, चाइनीज फूड, ये वो फलाना ढिमका ऑर्डर करते रहते हो, फिर सिलेक्शन के 2 साल बाद जब आपसे मुलाकात होती है तो आप हट्टे कट्टे तगड़े लगते हो, है ना। तो वैसे जॉब तक पहुंचने में ज्यादा मोटापा नहीं आता है, बट ओबेसिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है। ओबेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज इंक्रीज योर फैट, है ना। तो मोटापा जो है वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज MI, देन स्ट्रेस, ये बताना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज MI, तनाव। देखिए स्ट्रेस जो है इसका कॉज क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेसर, इसका कॉज क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेसर, है ना। और ये स्ट्रेसर कौन है, ये नालायक स्ट्रेसर कौन है, एक्चुअली ये जो स्ट्रेसर है ना जो स्ट्रेस कॉज करते हैं, और स्ट्रेस कैन कॉज MI, स्ट्रेस कैन कॉज MI, कैसे डेवलप होता। यदि मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, यदि मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं कि स्ट्रेस क्या, तो याद रखना कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आपने दिया और आप मेरिट में नहीं आए तो पेरेंट्स का क्या होता है, तो फेल हो गए, क्योंकि वो फेल और पास दो चीजें जानते हैं, उतना एजुकेशन नहीं होता हर पेरेंट्स का। पड़ोसी, तेरा क्या हुआ, गांव वाले, तेरा कब होगा, फिर जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है और हम डे बाई डे क्या होता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और स्ट्रेस में जाते 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 सोचते हैं कि सबको खुश कर पाए, सोचते हैं कि सबको खुश कर पाए, एक दिन खुद ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं। स्ट्रेस का और भी बहुत सारे फैक्टर है, जॉब नहीं लगना, अच्छी सैलरी नहीं मिलना, है ना, कई ऐसे फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस कॉज करते हैं, और स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हार्ट अटैक। बहुत सारे लोगों को इन्होंने स्ट्रेस की वजह से MI हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिंदगी जीना है तो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीना है, अपने आप को खुश करने के लिए जीना है। दुनिया को खुश करते करते ऊपर भी पहुंच गए ना तो भी आपको कोई याद नहीं करेगा, बट खुद को खुश करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक पॉजिटिवनेस आती है, एक एनर्जी मिलती है कि यस यार मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूं। तो हमेशा स्ट्रेस से दूर रहना मेरे फ्यूचर नसीब से, दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर कैन कॉज MI। तो ये वो सारे फैक्टर है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। दीज आर द मोडिफिएबल फैक्टर माई लविंग फ्यूचर नसीब से, जिसको मोडिफाइड करके हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक बात कहूं बच्चों, काफी बच्चे जैसे पूछे स्ट्रेस, एक बात कहता हूं ध्यान से सुनना, हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए दुनिया के पास चले जाते हैं और दुनिया हमारा स्ट्रेस बढ़ा देती है। हम अपना तनाव कम करने के लिए दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया फिर तनाव बढ़ा देती है। जब तक आप कोई स्टेप नहीं लोगे तो स्ट्रेस मिनिमाइज नहीं होता है। जब भी आप स्ट्रेस में आते हो ना, 10 मिनट 5 मिनट खुद को आइसोलेट करो, खुद को टाइम दो और स्ट्रेस से बात करो, सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, नेवर गिव अप। आपने सुना है बचपन में हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, तो पतंग उड़ाते समय पतंग के पीछे मांझा होता है, तो कभी कभी हमारी पतंग कोई काटने की कोशिश करता तो पतंग कट भी जाती और हम उस मांझे को वापस इकट्ठा करते। तो कभी कभी वो मांझा क्या होता है, एक दूसरे के बीच में फंस जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उस मांझे को, जितना उलझा हुआ मांझा होता है उसको हम सही करते हैं। सही करने के बाद में फिर से तैयार करते हैं पतंग को। तो हमने 5-10 मिनट दिया तो उलझा हुआ जो मांझा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। हमारा स्ट्रेस कुछ उसी उलझे हुए मांझे की तरह है। जब हम 10 मिनट देके उस उलझे हुए मांझे को सुलझा सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को क्यों नहीं सुलझा सकते। इसीलिए
जब भी इस परिस्थिति में होना तो खुद को 10 मिनट का टाइम दो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नोबडी कैन कम टू एनकरेज यू, आपको खुद को करना होगा। वो उलझा हुआ मांझा यदि हम सही कर सकते हैं, हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। वी हैव करेज, वी हैव कैपेबिलिटी टू फाइट इन एवरी सिचुएशन। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नाउ नेक्स्ट नॉन मोडिफिएबल फैक्टर, एक और लिखा यूज ऑफ कोकेन। नेक्स्ट नॉन मोडिफिएबल, देखिए नॉन मोडिफिएबल का मतलब होता है इट कैन नॉट मोडिफाइड, मोडिफाइड वो फैक्टर जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। पहले वाले जो फैक्टर था वो फैक्टर तो हम ठीक कर सकते हैं, बट नॉन मोडिफिएबल का मतलब वी कांट मोडिफाई माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, वो नॉन मोडिफिएबल फैक्टर है। जैसे फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में मदर को या फैमिली में फादर को MI हुआ, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। और स्टिल जेनेटिक वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज MI। मदर को है आपको हो सकता, पापा को है आपको हो सकता, दादा को है आपको हो सकता, दादी को आपको हो सकता, ये जनरेशन टू जनरेशन हो सकता, हो सकता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जिस फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो फैक्टर, लाइक एज। बड़ा मन करता ना कि मेरी एज यही रहे, बड़ा मन करता मैं ऑलवेज यंग दिखूं, डायनामिक दिखूं, है ना, चेहरा एकदम फ्लैश मारे, हमेशा मन करता ना। बट हम एज को रोक नहीं सकते। हमारा जन्मदिन जो है हर साल आएगा, अगली साल भी आएगा, मनाए नहीं मनाए, बर्थडे तो आएगा। एज वी कांट मोडिफाई, यू शुड एंजॉय मूवमेंट विद एवरी सिचुएशन। तो एज को मोडिफाइड नहीं कर सकते, एज नॉन मोडिफिएबल फैक्टर है। देन बच्चों जेंडर, वी कांट चेंज मेल फीमेल, बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। देन मेनोपोज, 45 to 55 की ईयर में ये एक एवरेज ड्यूरेशन है जब मेनोपोज होता है। मेंस्ट्रुएशन, मेनोपोज का मतलब होता है स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब स्टॉप हो जाता है, दैट इज अ मेनोपोज। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, या ना कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। बट हम मेनोपोज को भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारे जो फैक्टर है, इन फैक्टर को कहते हैं नॉन मोडिफिएबल। एग्जाम में क्या पूछते पता है? ऑल आर द मोडिफिएबल फैक्टर एक्सेप्ट ऑप्शन ए हाइपरलिपिडेमिया, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी मेनोपोज। 3 मोडिफिएबल है, 1 नहीं है। अब आपको आंसर आइडेंटिफाई करना। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, ऑल आर द मोडिफिएबल फैक्टर ऑफ MI एक्सेप्ट, तो हमें दोनों का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कौन सा मोडिफिएबल है, कौन सा नॉन मोडिफिएबल है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना? ओके फाइन। अब एक इमेज शो किया, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा यह आपका दिल है, बहुत खूबसूरत है, बट इस खूबसूरती में दाग लग चुका है क्योंकि इसको MI हो गया, इसको जो है MI हो गया। पहले आप थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। और साथ में मैंने कहा था कि मोस्ट कॉमन जो ब्लॉकेज है वो थ्रोम्बस और लिपिड, मैंने आपको कहा था। ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ल्यूमन, और ये येलो कलर जो दिख रहा है वो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल है मतलब लिपिड्स, फैट है। यहाँ लिपिड्स और फैट जैसे जैसे जमा होने लगा इनटू द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये बदमाश प्लेटलेट भी चला आया और क्या कर दिया, ब्लड क्लॉट कर दिया, क्या कर दिया, ब्लड क्लॉट कर दिया। शुक्रिया पूजा, थैंक यू मेरा बच्चा। तो ये समझ में आ रहा, ब्लड क्लॉट और वी कैसे कोलेस्ट्रॉल प्लेक, तो ये कंडीशन जो है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट को हार्ट अटैक। अब यहां पर मैंने एक हार्ट का इमेज दिया है, ये आर्टरी दिख रही है और ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, जहां पर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ और पेशेंट का कार्डियक सेल टिश्यू मसल्स क्या होगा, डाई हो गया। दैट इज MI, दिस इज द मायोकार्डियल इंफेक्शन। याद रखना, जिस आर्टरी की ब्लड सप्लाई रुकेगी, वो आर्टरी जहां ब्लड दे रही थी वहीं के सेल और टिश्यू डाई होते हैं। मैंने क्लियर मेंशन किया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक एग्जांपल आपको दिया है, यहां पर ब्लॉकेज हुआ है, यहां पर ब्लॉकेज हुआ है। यदि ब्लॉकेज 100% हो गया
तो ब्लड सप्लाई रुकेगी, ब्लड सप्लाई रुकेगी, सेल और टिश्यू डाई हो जाएगा, ब्लैक कलर दिखा होगा, काला कलर यहाँ पर दिखा होगा। मैं एक एग्जांपल आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बट ये आपको समझ माना चाहिए दैट वी कैन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे लवली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कई बार घर में चेस्ट पेन होता है और हम इग्नोर कर देते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू शुड नीड टू बी अलर्ट जब भी चेस्ट पेन होता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि आपको एमआई हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा आपको पेरिकार्डाइटिस हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मस्कुलर पेन हो रहा है? हा? तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मैंने यहां मेंशन किया है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले लिखा है चेस्ट पेन। याद रखना क्वेश्चन आएगा अगेन मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। क्या होगा बच्चों? चेस्ट पेन। अब मैं आपको तीन चार चीजें शेयर करता हूं, खोपड़ी के दरवाजे खुले रखना, ठीक है? चेस्ट पेन, आपने सुना पेन, आपने पेन सुना है, पेन क्या है? फिफ्थ वाइटल साइन। पेन क्या है? फिफ्थ वाइटल साइन पढ़ते ना बच्चों, एग्जाम आता कि हु इज द फिफ्थ वाइटल साइन, तो हम कहते हैं पांचों वाइटल साइन दर्द है, पेन है। पांचों वाइटल साइन का पेन है। एक्चुअली जब भी किसी पेशेंट का पेन है, पेन को मैं कहना चाहता हूं इट इज अ इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक तरह एक्सपीरियंस है पेन, वी कैन से। अब पेन जब भी हमें देखना है तो पेन के हमें क्या देखना होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक। पेन के हमें क्या देखना होता है? कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको बोलते हैं विशेषताएं, इसको बोलते हैं विशेषताएं, विशेषताएं और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी पेन की कॉमन बात कर रहा हूं, कॉमन बात कर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, किसी भी पेन की बात कर रहा हूं तो क्या क्या चीजें हमें देखना जरूरी होता है, उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। पेन के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखिएगा लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन का मतलब पेन कहां हो रहा है। देन रेडिएशन, कि वो जहां से हो रहा वहां से किधर की ओर जा रहा है, जहां से हो रहा वहां से किधर की ओर जा रहा है। रेडिएशन, रेडिएशन, शुक्रिया नागेश। पेन का लोकेशन, पेन का रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कि पेन जो है कितना फ्रीक्वेंट है। देन सीवियरिटी, सीवियरिटी, लोकेशन ऑफ पेन, रेडिएशन ऑफ पेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, सीवियरिटी बोल सकते हो, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी बोल सकते, इंटेंसिटी और वी कैन से सीवियरिटी ऑफ पेन। एक्चुअली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन। अब आके कोई आपसे कहे, कोई आपसे आके कहे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि पेट में दर्द हो रहा है, आपको आके कोई कहे हॉस्पिटल में कि पेट में दर्द हो रहा है, आपने डॉक्टर को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है, आप में और नॉन प्रोफेशनल अनएजुकेटेड दोनों में कोई फर्क नहीं लगा मुझे तो। पेशेंट ने कहा पेट में दर्द हो रहा है, आपने भी कह दिया पेट में दर्द हो रहा है। माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जब भी कोई पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता कि मुझे पेन हो रहा है, आपको उस पेन के कैरेक्टरिस्टिक को जानना है, और पेन के कैरेक्टरिस्टिक से आप कई सारी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक अपेंडिसाइटिस, लाइक रीनल कैलकुलाई, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, लाइक कोलीलिथियासिस। ये वो डिजीजेस जिसको पेन के कैरेक्टरिस्टिक देख के हम पता लगा सकते हैं। हम डॉक्टर को कहने से पहले ये पता लगा सकते हैं कि एब्डोमेन का कौन सा रीजन है, कौन सा क्वाड्रेट है, कौन से क्वाड्रेट में कौन सा ऑर्गन है, उस ऑर्गन की कौन सी बीमारी में कैसा दर्द होता है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन से। समझ में आ रहा है? मैं कॉमन डिस्कशन कर रहा हूं किसी भी पेन, इवन जैसे ड्यूरेशन, बिल्कुल एक वर्ड और ऐड कर लेते हो, ड्यूरेशन, पेन जो है वो कब से हो रहा है, पेन जो है कब से हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यूरेशन ऑल्सो,
ड्यूरेशन ऑल्सो। तो यहां आपको समझ में आ गया, तभी हम हार्ट अटैक के पेन का पता कर पाएंगे, एंजाइना के पेन का पता कर पाएंगे, अदर डिजीज के पेन का पता कर पाएंगे। जब भी कोई आपसे कहते हैं कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, आप ये बातें उससे जानिएगा, आप ये बातें उनसे जानिएगा कि पेन का ड्यूरेशन कब से हो रहा है, कहां हो रहा है, किधर जा रहा है, फ्रीक्वेंट है या कंटिन्यू है या सीवियर कितना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक, हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक चेस्ट पेन में। मैंने कहा था पेन कैसा बच्चों, क्रशिंग सब स्टर्नल पेन, यू नो क्रशिंग। प्लास्टिक की बॉटल यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। प्लास्टिक ग्लास यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। तो दर्द जो हो रहा है ना, ऐसा लग रहा था समथिंग गोइंग टू क्रश आउट, ऐसा लग रहा कि हार्ट में कुछ टूट रहा है, क्रश आउट हो रहा है, ऐसा दर्द था। दर्द कैसा था, दर्द कैसा था, क्रशिंग सब स्टर्नल पेन, रेडिएट टू, किधर रेडिएट हो रहा है, जॉ, बैक, लेफ्ट आर्म। मतलब पेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्टर्नम के लेफ्ट साइड से। पेन कैसा हो रहा, लुक दस फील लाइक ए क्रशिंग, क्रशिंग पेन, मतलब ऐसा लग रहा सब कुछ कुछ अंदर टूट रहा है, क्रश आउट हो रहा है। और वो दर्द यहां से किधर जा रहा है, नेक में जा रहा है, किधर जा रहा है, शोल्डर में जा रहा है, किधर जा रहा है, जॉब में जा रहा है, किधर जा रहा है, स्केपुला और बैक में जा रहा है। स्टार्ट कहां से होता, स्टर्नम के लेफ्ट साइड से। कैसा था, क्रशिंग पेन था, रेडिएट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। और याद रखना, अनरिलीव्ड बाय द रेस्ट और एंटीजी। यदि हमने पेशेंट को रेस्ट दिया तो भी आराम नहीं मिला, पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग दिया तो भी आराम नहीं मिला, और वो पेन जो था वो लास्ट 30 मिनट और उससे ज्यादा समय से हो रहा, पेन जो लास्ट 30 मिनट और उससे ज्यादा समय से दर्द हो रहा, लास्ट 30 मिनट और मोर देन 30 मिनट से पेन हो रहा है, समझ जाना हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रहा है। पेन कैसा है, 30 मिनट, और पेन कैसा है, कंटिन्यू बिना रुके हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए, क्रशिंग पेन हो रहा है, रिलीव नहीं है, चाहे आप पेशेंट को रेस्ट दे रहे हो, चाहे पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन दे रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत ओपियोड एनाल्जेसिक से आराम मिल रहा है, बट 30 मिनट से पेन लगातार हो रहा है, कंटिन्यू पेन। इस इमेज को देखना, अरे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑलमोस्ट ये आपके स्टर्नम है, स्टर्नम के लेफ्ट साइड से पेन स्टार्ट हुआ, रेडिएट होकर के लेफ्ट आर्म में जा रहा है, लेफ्ट आर्म इस तरीके से रेडिएटिंग पेन है, और ये 30 मिनट और उससे ज्यादा समय से हो रहा है। इट कांट रिलीज, इट कांट रिलीज बाय रेस्ट, बाय नाइट्रोग्लाइसिन। इंडिकेट क्या करे एमआई, इंडिकेट क्या करे एमआई, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू सो मच दीक्ष। ये स्टूडेंट है, आप मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट, और जब ये स्टूडेंट सामने हो ना तो और क्या चाहिए बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं, आप कभी भी मेरा टाइटल फेसबुक इंस्टा जब भी देखना, माई स्टूडेंट इज द माई वर्ल्ड, मेरा स्टूडेंट मेरी दुनिया। और जब आप किसी चीज को इतनी मोहब्बत करते हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। कई बार बच्चे पूछते कि सर वाई आर हैप्पी, बहुत खुश क्यों रहते हो आप, क्या मामला है, है ना। और इंसान को खुश, सबसे ज्यादा खुशी कौन देता है, कौन सी चीज देती है जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। आई लव माई वर्क, आई लव टीचिंग, आई लव टू टीच नर्सिंग और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो जब आप जिस काम को करें उसे मोहब्बत करो, चीजें आप अपने आप आपकी अपनी हो जाती है बच्चों। ओके फाइन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि मैं बात करूं एंजाइना पेक्टोरिस की, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको एंजाइना पेक्टोरिस की मैं बात करूंगा ना, तो एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होगा वो स्क्वीजिंग पेन होगा। कैसा होगा बच्चों, स्क्वीजिंग। एमआई का पेन कैसा था, क्रशिंग पेन था। कैसा था, क्रशिंग पेन था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बट एंजाइना का स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मतलब था जब अभी आप नालायकों ने कपड़े कब धोए होंगे, जब क्लोथ को वॉश करके हम कपड़े से पानी निकालते ना, ऐसे स्क्वीज करते हैं कि जल्दी सूख जाए, जब स्क्वीज करते ना उस तरीके का दर्द होता है, ऐसा लग रहा समथिंग स्क्वीजिंग इन द हार्ट। इसका मतलब पेशेंट को क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरा, पेन जो है वो 15 to 20 मिनट तक होता है। यहां कितना था, 30 मिनट, यहां कितना था, 30 मिनट।
एंजाइना का पेन जो है एपिसोडिक पेन है। कैसा है बच्चों? एपिसोडिक मतलब 15 से 20 मिनट दर्द होगा, ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, आराम मिलेगा, फिर पेन होगा, फिर ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, फिर आराम मिलेगा। ये एपिसोडिक पेन। एंजाइना पेक्टोरिस का पेन कैसा होगा? एपिसोडिक। एमआई का पेन कैसा था? कंटिन्यूअस पेन था। एंजाइना पेक्टोरिस में 15 से 20 मिनट तक पेन होगा, जैसे ही ब्लड पहुंचेगा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस इश्मिक हार्ट डिजीज है, वहां पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं रुकता है, वहां पार्शियल ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, आधी पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुक गई तो एमआई हो गया, एमआई हो गया, तो वो आधी ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है चेस्ट पेन होगा, ब्लड पहुंचेगा, दर्द में आराम मिलेगा, वो एंजाइना पेक्टोरिस है, वो एंजाइना पेक्टोरिस है। तो पेन कैसा होगा बच्चों? स्क्वीजिंग पेन होगा। कैसा होगा? स्क्वीजिंग पेन होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या बच्चों? चेस्ट पेन। क्लियर। साथ में अगला देखिएगा, नोजिया वोमिटिंग डेफिनेटली होगा, उसके साथ कॉमन में डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा क्योंकि O2 की डिमांड बढ़ेगी, तो डायफोरेसिस होगा। साथ में डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर भी नहीं मिल रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, दैट वीकेंस अ डिस्निया। देन बच्चों डिसरथमिया। डिसरथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल रिदम। मतलब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हार्ट का रिदम एबनॉर्मल होने लगेगा, मतलब पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, फर्स्ट डिग्री अभी ब्लॉक हो सकता है, सेकंड डिग्री अभी ब्लॉक हो सकता है, थर्ड डिग्री अभी ब्लॉक हो सकता है, इस तरीके के वेरिएशन देखने को मिलेगा डिसरथमिया। वैसे एक और बात बता देता हूं आपको, डिसरथमिया एमआई का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी है, इसको हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिखना जरूर, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मतलब एमआई का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एमआई होने के बाद जो तुरंत पेशेंट को जो होगा वो डिसरथमिया होगा, एबनॉर्मल रिदम होगा। मैं आगे जब कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड फिर मिलेगा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्ड इन्फेक्शन आपको पूछे डिसरथमिया, लेट कॉम्प्लिकेशन पूछे तो ड्रेसलर सिंड्रोम आगे पढ़ाने वाला हूं, पहले यहां समझना, एबनॉर्मल रिदम को हमने डिसरथमिया का और एबनॉर्मल रिदम को एक्यूट कॉम्प्लिकेशन का, और इसी को मैंने कह दिया कॉम्प्लिकेशन की बजाय या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। समझ में आया? ये सिम्टम दिखेगा, रिदम एबनॉर्मल होगा, और रिदम जब एबनॉर्मल होता तो फ्लैटर फिब्रिलेशन बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। ओके फाइन, अब यहां तक तो बड़ा आसान था, अब बच्चों मैं ले चलता हूं आगे, मैं ब्लड सप्लाई में आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, यहां और मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। समझ पा रहे? दो एग्जाम के क्वेश्चन बताऊंगा मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दीपिका राजपूत, डिसअर्थिमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल रिदम। आप डिसअर्थिमिया के एग्जाम्पल बताऊं दीपिका, हम टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया को भी बोल सकते हैं, हम एट्रियल फ्लटर को एट्रियल फिब्रिलेशन को बोल सकते हैं, हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक को बोल सकते हैं, ये सब एबनॉर्मल रिदम है। इसमें पर्टिकुलर हार्ट रेट को नहीं कहते मेरा बच्चा, पर्टिकुलर हार्ट रेट को नहीं कहते दीपिका, तो ये एबनॉर्मल रिदम एबनॉर्मल के बहुत सारे एग्जांपल है, तो वी कैन से डिसअर्थमिया। लोकेशन ऑफ एमआई से पहले दो चीजें ध्यान रखना, यदि ब्लड सप्लाई की बात करो, मैंने ब्लड सप्लाई आपको बताया था, शॉर्टली रिवाइज कर देता हूं। देखिए ये आपका होगा असेंडिंग आयोटा, ये आपका हो गया आर्च ऑफ एरोटा, ये आपका हो गया डिसेंडिंग थोरसिक, देन एब्डोमिनल आयोटा। ओके फाइन, एक्चुअली मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब असेंडिंग आयोटा की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे ही आपका ब्लड जो है असेंडिंग आयोटा में एंटर करता है तो दो ब्रांच में जाता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, याद करिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि टोटल कार्डिक आउटपुट का जो है 5% ब्लड जो है ये पर मिनट यहां सप्लाई होता है। जस्ट रिवाइज कर रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू महिमा, क्वेश्चन को समझना बेटा। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा है, हार्ट की ब्लड सप्लाई आपको यदि दोबारा रिवाइज हो गई तो आपको एमआई की लोकेशन पता होने में टाइम नहीं लगेगा। हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई जाता है असेंडिंग आयोटा में ब्लड जाता है, उसमें से राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है, टोटल कार्डिक आउटपुट का 5% ब्लड होता है।
और यहां मैंने कहा था कि राइट कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाता है वो कहां जाता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में जाएगा। फिर वो ब्लड कहां जाता है बच्चों, वो जाता है राइट मार्जिनल आर्टरी में, याद करिएगा। और फिर मैंने कहा था ये ब्लड कहां जाएगा, ये इंफीरियर, ये कहां जाएगा, इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को जाएगा, इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। समझना मेरे बच्चों, मैं कम से कम 10 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा इसी पूरी ब्लड सप्लाई में। जो पिछले में मैंने सिर्फ आपको ब्लड सप्लाई बताई थी, आज आपको मैं बताऊंगा हार्ट अटैक कौन सा कैसे कब होता है। देखिए दूसरी तरफ की ब्लड सप्लाई की तरफ ले चलता हूं। ये अगेन दो ब्रांच में हमने बताया, दो भाग में डिवाइड होती है, दो ब्रांच बनती है, है ना। एक है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये फर्दर ब्लड देगा लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को, और ये जो है फर्दर ब्लड सप्लाई होगा लगभग दैट वी कैन से लेटरल लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को। समझ माना चाहिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा ये हो गया एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर मैंने आपको बताया था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, देन लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, और मैंने आपको यहां पर भी दो पैरामीटर बताया था कि एक आपका सेप्टल और एक एंटीरियर पार्ट ब्लड सप्लाई जाता है। ये सिर्फ नॉर्मल ब्लड सप्लाई पुट किया बच्चों, सिर्फ नॉर्मल ब्लड सप्लाई। अभी मैंने लोकेशन ऑफ एमआई की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको बताया इस तरीके से आपका हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है। प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। जस्ट रिमेंबर, जस्ट रिकॉल, जस्ट रिवाइज राइट नाउ। आई एम गोइंग टू पुट ब्लॉकेज, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एमसीक्यू कैसे पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि पेशेंट को राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, मतलब पेशेंट को राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, तो कौन सा एमआई होगा इंफीरियर वॉल, एमआई होगा। क्वेश्चन समझना बदमाश बच्चों, क्वेश्चन समझना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि आपके हार्ट के राइट कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, तो इंफीरियर पार्ट को ब्लड नहीं गया, और इंफीरियर पार्ट को ब्लड नहीं गया तो इंफीरियर सेल और टिश्यू डाई हो गए, तो आपको कौन सा एमआई हुआ, इंफीरियर वॉल एमआई हुआ। कौन सा एमआई हुआ बच्चों, इंफीरियर वॉल एमआई। अब एग्जाम वाले कैसे पूछते पता है, एक पेशेंट था, इमरजेंसी में आया, चेस्ट पेन था, डॉक्टर ने उसको एंजियोग्राफी किया, तो राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया, तो राइट कोरोनरी आर्टरी कौन सा ब्लॉकेज, कौन सा एमआई करता है, तो आपको आंसर लिखने का इंफीरियर वॉल एमआई करता है। कौन सा करता है, इंफीरियर वॉल एमआई करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको एग्जाम में पूछे तो लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका यूनिट टेस्ट मिलेगा ना ऐसे ही धमाकेदार एमसीक्यू देखने को मिलेगा आपको। गलती हो गई मार दूंगा नालायक को, ध्यान, गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लेना, दोबारा पूछना बदमाशी बिल्कुल नहीं। तो ये बात होगी राइट साइड का, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब मैं ले चलता हूं लेफ्ट साइड, यदि कोई आपसे ऐसा कहे कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, तो पेशेंट को कौन सा एमआई हुआ, पेशेंट को हुआ लेटरल वॉल पोस्टीरियर वॉल। देखिए लेफ्ट सर्कम फ्लेक्स आर्टरी में यदि ब्लॉकेज हुआ, तो पेशेंट को लंबर पंचर याद रखना लेटरल और पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा, समझ में आ रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू प्रज्ञान। यदि पेशेंट को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, तो डेफिनेटली लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल एमआई हो गया, दोनों में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, मतलब पेशेंट को लेटरल और पोस्टीरियर वॉल एमआई हुआ। क्लियर ओके फाइन।
द नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यदि पेशेंट को एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, यदि पेशेंट को एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो कौन से MIUR, septal wall, MIUR और एंटीरियर वॉल, यदि पेशेंट को एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ जिसकी वजह से पेशेंट को septal wall और एंटीरियर वॉल MI हुआ और एंटीरियर वॉल MI हुआ, बच्चों सब समझना सीधे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और आपको बिना घबराए आंसर देना है। यदि पेशेंट को एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हुआ तो septal और एंटीरियर वॉल MI हुआ, समझ गए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं, सुनना मेरी बात को, कभी कभी एग्जाम वाले राइट कोरोनरी आर्टरी नहीं लिखते, कभी कभी राइट कोरोनरी आर्टरी नहीं लिखे, वो क्या लिखेंगे, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्या लिखेंगे, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, कभी कभी वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट मार्जिनल आर्टरी, पूछ लो, आपको तो आंसर पता है, इंफीरियर वाला MI, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, जहां जहां ब्लॉकेज होगा इंफीरियर वॉल MI होगा, जहां जहां ब्लॉकेज होगा इंफीरियर वॉल MI होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी तरफ आइएगा, यदि आपके एग्जाम में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की जगह लिख दे लेफ्ट मार्जिनल तो भी हमें लिखना है लेटरल और पोस्टीरियर वॉल MI, यदि आपके एग्जाम में एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की जगह लिख दे लेफ्ट डायगोनल आर्टरी तो भी आपको septal और एंटीरियर वॉल MI लिखना। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब दो MCQ, NCLEX के दोनों MCQ ध्यान से सुनिएगा, खोपड़ी के दरवाजे खुले रखिएगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर MI, आपको आंसर क्या लिखना है, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, याद रखिएगा बच्चों, मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर MI, सबसे ज्यादा कौन सी आर्टरी जो है वो बदमाश MI कॉज करती है, तो मेरे बच्चों आपको लिखना है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्या लिखोगे, एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू, आपको आंसर क्या लिखना है, एंटीरियर आगे से डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर MI, आपका आंसर आएगा एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दैट्स क्लियर एवरीवन, ओके फाइन। एक और एमसीक्यू, अब अगला एमसीक्यू क्या बनेगा, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट डेंजरस और मोस्ट कॉमन MI पूछेंगे तो बच्चों लिखेंगे एंटीरियर वॉल MI। पहले वाला मैंने पूछा आर्टरी रिस्पॉन्सिबल, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज MI, तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सबसे बदमाश आर्टरी है, और पूछे MI कौन सा है मोस्ट कॉमन, तो डेफिनेटली आर्टरी जब एंटीरियर डिसेंडिंग है तो ये जब ब्लड सप्लाई नहीं देगा वही तो होगा ना, तो इसमें भी लिखना दो septal और एंटीरियर, बट एक आपको सिलेक्ट करना है, आपको लिखना है कि मोस्ट कॉमन मोस्ट डेंजरस MI एंटीरियर वॉल MI, क्या लिखोगे, एंटीरियर वॉल, दोनों में डेफिशिएंट करना है, septal और एंटीरियर में लिखना, पूछे तो एंटीरियर लिखना, एंटीरियर जो है ज्यादा बदमाशी करने के बाद डेवलप होता है, एंटीरियर लिखना बच्चों, एंटीरियर लिखना, एंटीरियर वॉल MI, बिल्कुल रोशन जमादार, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, ये कहानी जो आपको दिखाई, इस पूरी कहानी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल जीत मीना, बहुत बढ़िया। एक बात कहूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू सच ए ग्रेट पार्टिसिपेंट, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हितेश पटेल बहुत बढ़िया, मोस्ट डेंजरस क्यों है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हार्ट का जो लेफ्ट साइड का अपेक्स है ना, वो ऑलमोस्ट एंटीरियर डिसेंडिंग पार्ट की तरफ होगा, और अपेक्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई ब्लड टू द बॉडी सिस्टम, आपकी बॉडी सिस्टम में ब्लड सप्लाई कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है अपेक्स, जब वो खत्म हो गया तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ट
फेलियर हो जाएगा मेरे फ्यूचर हितेश, समझ में आया बेटा? ओके फाइन, चलो नेक्स्ट ले चलता हूं। मैंने यहाँ क्लियरली मोटा मोटे शब्दों में लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द राइट कोरोनरी आर्टरी तो क्या होगा, इंफीरियर वॉल एमआई होगा। यदि आपसे कोई कहे ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी तो आपको लिखना पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल एमआई होगा। और आपसे कोई बदमाशी करे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तो एंटीरियर और सेप्टल वॉल एमआई लिखना। आपसे कोई ये पूछे कि लेफ्ट एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो हो गया लोकेशन, ये तो हो गया लोकेशन। यहां मैं एक और बात आपको बता देता हूं, लोकेशन तो आपने समझ लिया, आगे मैं आपको इन्वेस्टिगेशन पढ़ाऊंगा। दो चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, दो चीजें इन्वेस्टिगेशन में आपको बताऊंगा। एक आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक, एक आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक आपको पढ़ाऊंगा ईसीजी। पता बच्चों मजे की बात, अभी मैंने क्या पढ़ाया, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, लोकेशन ऑफ एमआई कि हार्ट का कौन सा एमआई है, इंफीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, सेप्टल वॉल है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना होगा, ईसीजी, हमें क्या करना होगा, ईसीजी। याद रखना, टू फाइंड लोकेशन, टू फाइंड लोकेशन ऑफ एमआई, एग्जाम में पूछते कि एमआई की लोकेशन का पता लगाने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आंसर लिखना बच्चों ईसीजी। मैं बताऊंगा आपको आगे ईसीजी में कि ईसीजी की कौन सी लीड हमें बताएगी कि कौन सा वॉल एमआई है, आपको आगे पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों को। बट इतना याद रखना, सीधा एमसीक्यू पूछेंगे, विच इन्वेस्टिगेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एमआई, तो सीधा आंसर क्या लिखने का, ईसीजी। सीधा आंसर क्या लिखने का, ईसीजी। काजल, रश्मिता, वेट करो मेरा बच्चा, आगे आएगा, ये समझो, ये समझो। एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं, यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पूछे लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रैक्शन, लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रैक्शन इन आर्टरी, इन आर्टरी, तो आंसर क्या होगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन। मतलब आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन कहां हुआ है, कैसे पता लगाएंगे, क्या करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं एनजीओ, एनजीओग्राफी, एनजीओग्राफी जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ आर्टरी, स्टडी ऑफ आर्टरी। मेरे बच्चों आगे पढ़ाने वाला हूं, बट यहां इसलिए बता रहा हूं कि मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, या लोकेशन की बात कर रहा हूं। दोनों पैरामीटर अलग है, हम कैथेटर को डालेंगे फीमोरल आर्टरी से, हम कैथेटर को डाल सकते हैं बच्चों रेडियल आर्टरी से, और कैथेटर जहां तक जाएगा और बताएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कहां पर है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोग्राफी, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोग्राफी। यदि आपसे पूछे कि हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आंसर क्या आएगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसे हम क्या करते हैं एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ आर्टरी। डॉक्टर एंजियोग्राफी करके तो बुलाता है कि आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा को फलानी आर्टरी में इतना परसेंट ब्लॉकेज है, फलानी आर्टरी में इतना परसेंट ब्लॉकेज है कि 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है। किसमें पता चलता है, एंजियोग्राफी में, किसमें पता चलता है, एंजियोग्राफी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और आपसे कोई पूछे भाई एमआई कौन से वॉल में हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें ईसीजी करना है, हमें ईसीजी करना। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, समझ में आया कि नहीं आया आपको, एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ईसीजी, लोकेशन ऑफ एमआई, लोकेशन ऑफ एमआई। ओके फाइन, ओके फाइन, कैरी ऑन करता हूं बच्चों, कैरी ऑन करता हूं। नेक्स्ट, लोकेशन क्लियर हो गया, अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। जांच पड़ताल करते हैं कि हार्ट अटैक आया कि नहीं आया, आया तो क्यों आया, है ना, पता करते इन्वेस्टिगेशन। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला पैरामीटर इन्वेस्टिगेशन।
अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मैंने लिखा बच्चों हिस्ट्री, जैसे किसी भी डिजीज का पता लगाना है तो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट मेडिकल लेते हैं, प्रेजेंट मेडिकल लेते हैं, पास्ट सर्जिकल लेते हैं, प्रेजेंट सर्जिकल। ये हिस्ट्री से पता चलता है कि किसी को फैमिली में तो नहीं था। डॉक्टर हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पूछता है? फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पूछेगा। फैमिली हिस्ट्री के अलावा डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के बारे में पूछेगा। देन डाइट्री, स्मोकिंग, इन सबके बारे में जिक्र करेगा, सबके बारे में डॉक्टर पूछेगा। इट्स ओके प्रिंसी, थोड़ा धीरे कर देता हूं। हिस्ट्री जो है, फैमिली हिस्ट्री, डेली एक्टिविटी, डाइट्री हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री, इससे हमें पता करेंगे कि कौन सा फैक्टर हो सकता है। हिस्ट्री जो है, इट माइट और मे रिस्क फैक्टर, कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है, बट हम हिस्ट्री से डायग्नोस नहीं कर पाते। हम हिस्ट्री से डायग्नोस नहीं कर पाते कि पेशेंट को MI हुआ कि नहीं हुआ, नहीं कर पाएंगे ना। अब एक मजे की बात बताता हूं, यदि किसी पेशेंट को MI हुआ है, यदि किसी पेशेंट को MI हुआ है, MI होने के नेक्स्ट 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए तो सर्वाइवल रेट ज्यादा है। हार्ट अटैक आने के बाद एज सून एज अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, एज सून एज अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। अब हमें एज सून एज अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, यदि आपने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, यदि आपने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, फिर उस सैंपल को लैब में भेजा, लैब से फिर वापस रिपोर्ट आया, फिर आपने रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाया, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, नहीं फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा, फिर आपने एडमिनिस्टर किया, एक लंबा सर्किल होता है, एक लंबा सर्किल होता है। पेशेंट आया चेस्ट पेन करके, डॉक्टर ने उसको ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को लैब में भेजा, लैब में रिपोर्ट बना, रिपोर्ट वापस आया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा, फिर आपने ड्रग दिया, तब तक पेशेंट ऊपर जा चुका होगा। वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम टू ट्रीट पेशेंट सफर MI, हमारे पास बहुत कम टाइम है। हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज स्टार्ट करना मस्ट है, इमीडिएट इमीडिएट जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना मस्ट है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे? अब आपको समझने की जरूरत है कि हमें यदि पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, क्या देखना बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन को देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, बट टेस्ट कौन सा करेंगे? टॉप टी, याद रखना बच्चों, बताऊंगा इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। टॉप टी यूजुअली रिपीटेड 2 more times ओवर नेक्स्ट 6-24 hours। एक बार किया, अगले 6-24 hours में रिपीट करना। अगर एक बार टॉप टी किया तो अगले नेक्स्ट 6-24 hours में रिपीट करना। द टेस्ट वी कैन से टॉप टी टेस्ट। टॉप टी टेस्ट करने के बाद यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट को MI है तो हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। है क्या टॉप टी? एक यहां पर टॉप टी किट लिखा हुआ है, टॉप टी किट आपको दिख रहा है, और यहां पर टॉप टी का स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है। आपने सुना बच्चों UPT, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या लेते हैं? यूरिन लेते हैं, और यदि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमें 2 lines दिखता है और हम कह देते हैं पॉजिटिव। ये कहानी तो बहुत सुनी होगी। सस्पेक्टेड कोई पेशेंट है, UPT किया, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 2 lines दिखी, वी कैन कंसीडर पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है। सुना है? ओके फाइन। अब मैं बात करता हूं टॉप टी की। एक्चुअली क्या होता है, ट्रोपोनिन जो है एक तरीके का प्रोटीन सब्सटेंस है। क्या है बच्चों? प्रोटीन सब्सटेंस। ये प्रेजेंट कहां होता है? कार्डियक मसल।
कहां प्रेजेंट होता है? कार्डिक मसल। और जैसे ही पेशेंट का मसल जो है डैमेज होगा, जैसे ही पेशेंट का मसल डैमेज होगा तो ये रिलीज होगा। कहां रिलीज होगा? ब्लड में। कहां रिलीज होगा? ब्लड में। और ब्लड में यदि रिलीज हुआ तो डेफिनेटली ब्लड में प्रेजेंट होगा, और ब्लड में प्रेजेंट है तो आपको दो लाइन दिखेगी। आपको क्या दिखेगी बच्चों? दो लाइन दिखेगी। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, सुना होगा। ट्रोपोनिन आई हाई एफिनिटी वाला सब्सटेंस, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी दोनों कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही आपकी कार्डियक मसल जो है डैमेज हुई, ये एंजाइम ब्लड में रिलीज होता है, ये एंजाइम ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। यदि कार्डियक मसल डैमेज हुआ तो ही ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी रिलीज होगा। जब ब्लड में हम चेक करेंगे टॉप टी टेस्ट में, दो लाइन आ रहा है, वो दो लाइन आपको ये बता रही है कि इस ब्लड में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्डियक मसल डैमेज हुई है। तो हमें पेशेंट का सैंपल लैब में भेज देना है और एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। इस टेस्ट को बोलते हैं टॉप टी टेस्ट, इस टेस्ट को बोलते हैं टॉप टी टेस्ट। अब समझ में आया कुछ? समझ में आया? एक बार फिर से बता रहा हूं क्या है टॉप टी। इमरजेंसी में हम ऐसा कंडक्ट करते हैं, चेस्ट पेन का पेशेंट आता है तुरंत टॉप टी टेस्ट करते हैं। टॉप टी का मतलब क्या है? ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन क्या है? प्रोटीन बोल सकते हैं, ट्रोपोनिन को हम एंजाइम बोल सकते हैं, हम ट्रोपोनिन को एंजाइम बोल सकते हैं। नॉर्मली ये ट्रोपोनिन कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली ये ट्रोपोनिन कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। और कार्डियक मसल से ट्रोपोनिन का रिलीज कब होना होता है? जैसे कार्डियक मसल्स डैमेज हुआ तो ट्रोपोनिन आपके ब्लड में रिलीज होगा। जब ट्रोपोनिन आपके ब्लड में रिलीज होगा मतलब ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा। तो हम ब्लड सैंपल में जैसे ब्लड सैंपल को दो ड्रॉप ब्लड यहाँ पर पुट करेंगे, ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद दो ड्रॉप ब्लड हम यहाँ पर पुट करेंगे। ब्लड पुट करने के बाद कुछ सेकंड के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो लाइन प्रेजेंट है, दो लाइन प्रेजेंट है तो दो लाइन इंडिकेट करता है कि इस ब्लड में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। इसका मतलब ट्रोपोनिन आया कहाँ से? कार्डियक मसल। क्यों आया? क्योंकि कार्डियक मसल डैमेज हुआ है। तुरंत एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, तुरंत एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना फ्यूचर नर्सिंग होम से। समझ में आया? समझ में आया नहीं तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। समझ में नहीं आया तो सिंपली देखिएगा, जो कार्डियक मसल्स होता ना, जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन आई भी होता है, ट्रोपोनिन टी भी होता है। ये नॉर्मली बात कर, ये नॉर्मली बात कर। व्हेन मसल डैमेज, मसल डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि एमआई हुआ। मसल डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि एमआई हुआ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शुक्रिया पूजा। एक्चुअली देखिएगा, कार्डियक मसल जो है उसमें एक एंजाइम का नाम है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन कब कब रिलीज होगा? जब मसल्स डैमेज होगा तो ये ट्रोपोनिन किसमें आएगा बच्चों? ब्लड में। किसमें आएगा? ब्लड में। और यदि ब्लड में प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट को एमआई हुआ होगा, कार्डियक मसल डैमेज हुआ होगा। और ये दो लाइन कब दिखेगा? जब ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, जब ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉन्सेप्ट क्लियर? द टेस्ट वी कैन से ट्रोपोनिन टेस्ट। और ये मैंने कहा है दो बार, देखिए टू मोर टाइम रिपीट करने का पर्पज है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो है रिलीज होगा, पीक पे जाएगा, पीक पे बना रहेगा, फिर नॉर्मल आएगा। तो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए दो बार रिपीट करना पड़ता है, दो बार रिपीट करना पड़ता है। ट्रोपोनिन टी यूजुअली रिपीट टू टाइम्स मोर टाइम ओवर द नेक्स्ट 6 to 24 hours। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे ले चलता हूं फॉर ऑल डिटेल में। वन लाइन नेगेटिव, टू लाइन पॉजिटिव, जगदीश चौधरी बिल्कुल जीत, बिल्कुल सही। मैं ले चलता हूं नेक्स्ट। अब थोड़ा ट्रोपोनिन को मैं डिटेल में लेके चलता हूं। एंजाइम स्टडी, और एंजाइम स्टडी में सबसे पहले ट्रोपोनिन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इसमें सबसे पहले ट्रोपोनिन लिखा। अब ट्रोपोनिन क्या? प्रोटीन रिलीज व्हेन हार्ट मसल्स हैज बीन डैमेज्ड।
ट्रोपोनिन जो है, ये ट्रोपोनिन तीन टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का होता है, एक सी होता है, एक आई होता है, एक टी होता है। ये सी जो है ना, ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल और ब्रेन में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हम तो बात करें हार्ट का, हार्ट यूज टू कनेक्ट हार्ट, हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्रोपोनिन सी हम यहां नहीं पढ़ेंगे। ट्रोपोनिन सी क्या होगा, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन में चला गया। हमें दिल की जांच करनी है, हार्ट की जांच करनी है, तो मैंने कहा ट्रोपोनिन जो है वो प्रोटीन है। ट्रोपोनिन आई और टी दोनों हम पढ़ेंगे, आई और टी दोनों हम पढ़ेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। देखिए अब यहां पर थोड़ा और अच्छे आगे चलते हैं। ट्रोपोनिन आई एग्जाम में नॉर्मल लेवल पूछते हैं, एग्जाम में नॉर्मल लेवल पूछते हैं, लेस देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल। एन जी का मतलब होता है नैनोग्राम, एन जी का मतलब होता है नैनोग्राम। ट्रोपोनिन आई जो है लेस देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल होता है, हैज हाई एफिनिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम का है फॉर मायोकार्डियल इंजरी, और इसको कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है कि मोस्ट सेंसिटिव मतलब आपको यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वहां लिखा होता है ट्रोपोनिन आई लिखा है और दूसरा बच्चों ट्रोपोनिन टी लिखा है, तो हमेशा हमें प्रायोरिटी किसको देना, आई को। हमेशा हमेशा हमें प्रायोरिटी किसको देना बच्चों, ट्रोपोनिन आई को देना, बिकॉज ट्रोपोनिन आई एक तो जल्दी रिलीज होता है, ट्रोपोनिन आई हाई एफिनिटी वाला होता है। शुक्रिया शिखा। तो ट्रोपोनिन आई जो है एक तो हाई एफिनिटी का होता है और एक ये जल्दी रिलीज होता है, तो ट्रोपोनिन आई और टी दोनों यदि ऑप्शन में, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी दोनों यदि ऑप्शन में, तो हमें प्रायोरिटी किसको देना मेरे बच्चों, ट्रोपोनिन आई को। प्रायोरिटी किसको देना, हाई एफिनिटी मोस्ट सेंसिटिव पूछे तो आंसर क्या आएगा, ट्रोपोनिन आई आएगा कंपैरिजन टू द ट्रोपोनिन टी। मैं दोनों के बारे में जिक्र करने वाला हूं, इससे पहले पहला एमसीक्यू यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पर भी आया हुआ है कि विच इज द मोस्ट सेंसिटिव, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव, तो आपको ट्रोपोनिन आई को पुट करना, हाई एफिनिटी तो भी आपको ट्रोपोनिन आई को पुट करना जिसका लेवल लेस देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल है, लेस देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल है। अब जैसे ही पेशेंट को हार्ट अटैक आया, जैसे ही पेशेंट को हार्ट अटैक आया मतलब पेशेंट को एमआई हुआ, तो अबाउट 3 आवर में ट्रोपोनिन आई बढ़ेगा, ट्रोपोनिन आई बढ़ेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू पायल कुमारी, शुक्रिया। मतलब 3 आवर में आपका ट्रोपोनिन आई राइज होगा और मेरे बच्चों 14 to 18 आवर तक पीक पे रहेगा, देखिएगा पीक पे रहेगा। मतलब सीधा ये डेडलाइन है, यहां ट्रोपोनिन आई रिलीज हुआ, रिलीज होकर के 3 आवर्स में ये रिलीज होकर के बढ़ा और इंक्रीज हुआ। ये जो लेवल है पीक लेवल है, क्या है बच्चों, पीक लेवल है, मतलब जितना रिलीज होना, जितना मैक्सिमम जाना, दैट इज अ पीक, दैट इज अ पीक। और ये पीक पे जाने के बाद लगभग 14 to 18 आवर तक पीक पे रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, पीक पे रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और मेरे बच्चों नेक्स्ट 7 to 10 days में वापिस क्या आ जाएगा, अगले 7 to 10 days में, 7 to 10 days में वापिस क्या आ जाएगा बच्चों, रिमेन एलिवेटेड रहेगा, वापिस नहीं आएगा, अगले पीक पे जाएगा एट 14 to 18 आवर। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये है पेशेंट का ट्रोपोनिन आई रिलीज हुआ तो पीक पे गया, ये पीक पे पहुंचा, पीक पे पहुंचा क्योंकि रिलीज होने के बाद इंक्रीज होगा, तो ये रिलीज होकर के 3 आवर में रिलीज हुआ, फिर पीक पे गया, और पीक पे पहुंचने में कितना टाइम ले लिया, एट 14 to 18 आवर्स। अब ये पीक पे जाने के बाद वापस पीक पे ही बना हुआ है, ये 7 to 10 days है। मतलब ये मानने को तैयार नहीं कि मुझे वापस आना, मानने को तैयार नहीं कि मुझे वापस पीक पे ही है। और याद रखना बच्चों, यही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछते हैं। मैंने अभी यही कहा ना कि आपको अगले 24 घंटे में ट्रोपोनिन आई को रिपीट करना, ट्रोपोनिन को रिपीट करना। रिपीट क्यों करना, कि राइज तो हुआ था, पीक पे भी गया, अभी भी वो बढ़ा हुआ है क्या, अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल 7 से
10 दिन तक ट्रोपोनिन आई जो है वो एलिवेटेड रहता है, एलिवेटेड रहता है। तो ये तो हो गया ट्रोपोनिन आई, हाई अफिनिटी, मोस्ट सेंसिटिव, लेस देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। पीक का मतलब होता है सुलिसा, पीक का मतलब होता है पीक, टॉप लेवल। पीक को बोल सकते हैं टॉप लेवल, टॉप लेवल का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना बढ़ सकता है, दैट इज अ पीक। जैसे आप इंसुलिन पढ़ते, इंसुलिन एडमिनिस्टर किया, एक्शन होने तक को बोलते ऑनसेट। एक्शन होने के बाद पीक, पीक का मतलब मैक्सिमम फंक्शनिंग कैपेसिटी, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये इंसुलिन में पढ़ते हैं ये, तो पीक का मतलब होता है टॉप लेवल, टॉप लेवल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अगला आता है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी, हाँ बिल्कुल सिंह, ट्रोपोनिन टी 0 से 0.2 नैनोग्राम, बहुत कम होता है, 0 से 0.2 नैनोग्राम है। और टी जो है ये 3 to 5 hours में राइज होता है। अब दोनों में पहले कौन है, दोनों में पहले कौन है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी जो है 3 to 5 hours राइज होगा, देन रिमेन एलिवेटेड रहेगा 10 to 14 days। मतलब पेशेंट को एमआई होने के 3 से 5 घंटे में राइज होगा, फिर एलिवेटेड रहेगा 10 से 14। अब आपको कोई पूछे इन दोनों में से, इन दोनों में से पूछे कि पहले कौन आता है, तो आपको आंसर लिखना है ट्रोपोनिन आई। इन दोनों में से पूछे हाई एफिनिटी कौन है, तो ट्रोपोनिन आई। इन दोनों में से पूछे सेंसिटिव कौन है, ट्रोपोनिन आई। आई ऑलवेज आई, आई ऑलवेज आई। अब समझ में आ गए दोनों, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्यूचर नर्सिंग को, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम एंजाइमिक स्टडी पढ़ रहे हैं, एमआई के एंजाइम, हम ज्यादातर एमआई में इतना ही जानते थे कि यार ईसीजी करते हैं सब पता चल जाता है। बहुत कुछ देखना पड़ता मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कंपटीशन वाले बड़े नालायक हो, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कितना भी डीप जा सकते हैं, बट हम उनसे भी आगे चलने की कोशिश करेंगे ताकि आप आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना बेस्ट करके अपने परिवार और जेएनसी के परिवार का नाम रोशन करें। क्योंकि एक और सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, जेआईएनसी के जो रियल ब्रांड एम्बेसडर है ना, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जो मार्केट वैल्यू होती ना, वो जेएनसी में पढ़ने वाले बच्चों से होती है। तो यू आर द फेस ऑफ जेएनसी, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेएनसी, और आप जो चीजें लर्न करते हो, आप जो चीजें महसूस करते हो और आप दो बच्चों को आगे बताते हो, वो करोड़ों रुपए के प्रचार से नहीं होता है। तो टीम जेएनसी को क्या करना है, मेहनत, और ये मेहनत जब आपको मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपकी जेएनसी और आगे बढ़ेगी। आज इंडिया में नंबर वन इंस्टीट्यूट बना है, आप लोगों ने बनाया, और हम और मेहनत करते हैं और अच्छी हार्डवर्क करते हैं, तो आप अपनी जेएनसी को और आगे बढ़ाओगे, और ये रियलिटी है। तो यू आर ट्रू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेएनसी, यू आर द फेस ऑफ जेएनसी। आप जहां भी हो, आप मेरे से नहीं मिले, हम कभी फेस टू फेस नहीं मिले, बट आई फील यू एज ए स्टूडेंट कि आप हमेशा मेरे सामने हो। व्हेन आई टीच यू, आई फील यू आर फ्रंट ऑफ मी, यू आर इन क्लासरूम। इस फीलिंग के साथ आई एम डूइंग माई बेस्ट, और इसी से आप तक वो एनर्जी जाती है। आप यदि मुझे साइड में देखोगे, देख एक 10x5 10x6 का एक कमरा है, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट मेरा माइंडसेट, मेरा हार्ट फीलिंग, गट फीलिंग कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो इसलिए पूरे एफर्ट्स आप तक डिलीवर हो पाते हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जेएनसी को, हर बच्चे की जहन तक पहुंचाओ, सच्चाई को बताओ कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि ये सच्चाई हर किसी के बताने की बस की बात नहीं होती है। और आप जो महसूस कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको कंटेंट मिल रहा है, जो क्वालिटी आपको मिल रही है, उसको जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि हम किसी की मदद कर सके। माय लविंग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेएनसी। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, दो एंजाइम आपको क्लियर हो गए, ट्रोपोनिन आई क्लियर और वी कैन से ट्रोपोनिन टी क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सीपीकेएमबी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा है सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। सीपीके का फुल फॉर्म देखिएगा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज,
creatinine phosphokinase, one of the another enzyme, my loving future nursing officer, that you can see CPKMB isoenzyme, this ka normal value 20 to 174 microgram per liter, used to detect inflammation in a muscle or muscle damage. Again, muscle damage ko reflect karte ka CPKMB. Creatinine phosphokinase, ये भी क्या होता है, कार्डिक मसल, ये कब रिलीज होता है, ये भी जब कार्डिक मसल डैमेज होती तब रिलीज होता है, जैसे ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी आपने पढ़ा, ये भी तभी रिलीज होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब आपकी कार्डिक मसल डैमेज होता है, दैट विल बी रिलीज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिएगा मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम, ये एग्जाम का एमसीक्यू, अभी मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, मोस्ट सेंसिटिव, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मोस्ट सेंसिटिव, मैंने आपको क्या पढ़ाया, हाई एफिनिटी वाला एंजाइम, तो आपने क्या क्या बच्चों, आपने कहा सर ट्रोपोनिनाई, ये हमने पढ़ा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, श्योर प्रगति, मोस्ट वेलकम है बच्चा, तो ये तो था मोस्ट सेंसिटिव, या था हाई एफिनिटी, कभी कभी बदमाशी करते हैं कि सबसे स्पेसिफाई ये पूछते, सबसे स्पेसिफाई पूछे तो आपको लिखना CPKMB, साथ में राइज विद इन 6 आवर, आई मैंने पढ़ाया था बच्चों 3 to 3 आवर, टी मैंने पढ़ाया बच्चों 3 to 5 आवर, और CPKMB आप पढ़ रहे हो 6 आवर, तो राइज विद इन 6 आवर, पीक 18 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन के आफ्टर 18 आवर में पीक पे जाएगा, और रिटर्न टू द नॉर्मल 48 to 72 आवर्स, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। इसमें 3-4 चीजें आपको समझना, पहला समझना है कि राइज जो है कितने घंटे में होता है, तो आपको लिखना 6 आवर, दूसरा समझना है कि पीक जो है आफ्टर 18 आवर ऑनसेट ऑफ पेन, तीसरा ये रिटर्न बैक कम टू द नॉर्मल 48 to 72 आवर्स, दैट इज अ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज CPKMB। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अ मायोग्लोबिन, ये बड़ा कई बार एग्जाम में आ चुका है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड अगेन इन कार्डियोस्केलेटल मसल्स, फीमेल में 10 टू 65 नैनोग्राम पर एमएल और मेल में 10 टू 95, मतलब सीधा अभी आपने देखा ट्रोपोनिन, अभी आपने देखा ट्रोपोनिन, एक ट्रोपोनिन आई देखा, ट्रोपोनिन टी देखा, दूसरा CPKMB आपने देखा, और तीसरा मायोग्लोबिन आप देख रहे हो, ये सारे मैं प्रोटीन सब्सटेंस बता रहा हूं, और ये सभी जब कार्डिक मसल डैमेज होता है तो रिलीज होता है, दैट विल बी रिलीज इनटू द ब्लड, और इनका लेवल ब्लड में बढ़ता है, इनका नॉर्मल लेवल में साथियों बता रहा हूं, नॉर्मल लेवल से यदि बढ़ा हुआ मिल रहा है इसका मतलब आपके कार्डिक मसल डैमेज हो गया, और कार्डिक मसल जब डैमेज होता है द थिंग्स विल रिलीज, और मायोग्लोबिन जो है दैट इज अ फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग MI, ये एग्जाम का एमसीक्यू मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और राइज विद इन 2 आवर आफ्टर सेल डेथ। अब आपसे कोई ये कहें कि सबसे पहले कौन आता है, मायोग्लोबिन, यही तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू ममता, कि मैंने कहा बच्चों ट्रोपोनिन की मैंने आपसे बात की, तो आई जो है ये 3 आवर्स के अंदर रिलीज हो रहा था, टी जो है ये 3 to 5 आवर्स में रिलीज हो रहा था, CPKMB जो है ये 6 आवर में रिलीज हो रहा, बट मायोग्लोबिन तो टू आवर्स में रिलीज हो गया, यही MCQ कई बार आया हुआ है कि सबसे पहले कौन, चारों यही ऑप्शन होते हैं, ABCD, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CPKMB और मायोग्लोबिन। अब आपको आंसर लिखना होता है, तो आपको आंसर यही लिखना है, राइज विद इन 2 आवर आफ्टर सेल डेथ, तो आपको आंसर लिखना मायोग्लोबिन, क्योंकि ये मैं लिखा है एलिवेटेड एंजाइम फॉलोइंग MI, सबसे पहला एंजाइम जो MI के बाद एलिवेट होता है। क्वेश्चन डरा के पूछेंगे, और मेरा मन किया ना बच्चों, मैं जल्दी एक आध पेपर तो डालने वाला हूं, ECG, एनाटोमी और MI पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जल्दी आपकी खबर लूंगा, और आप जिस दिन पेपर सॉल्व करके आंसर निकालो ना, उस दिन मुझे जरूर बताना कि सर इतने टफ MCQ हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिए, क्योंकि आप अभी उस लेवल का कंटेंट लर्न कर रहे हो, और मैं मन कर रहा है मैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर डाल के आपका हिसाब किताब लूं,
नहीं तो आप बदमाशी करोगे। तो चारों एंजाइम आपके सामने पुट किया, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, छीपीकेएमबी और मायोग्लोबिन। सबसे पहले कौन सा है मायोग्लोबिन, सेंसिटिव कौन सा ट्रोपोनिन आई, और यहां लिखा मैंने मोस्ट स्पेसिफिक पूछे तो सीपीकेएमबी, मोस्ट स्पेसिफिक पूछेंगे सीपीकेएमबी। तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके फाइन। ये तो बात हो गई अलग अलग एंजाइम्स की। यहां मैंने ये भी मेंशन किया है द डिक्लाइन इन अ लेवल आफ्टर द डिक्लाइन द लेवल आफ्टर 7 आवर्स, ये भी 7 घंटे में वापिस आ जाता है मायोग्लोबिन, वापिस आ जाता है मायोग्लोबिन। नाउ नेक्स्ट वन LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेवल लेस देन 130 mg/dL, ये नॉर्मल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। वैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी कार्डिक मसल्स को डैमेज को इंडिकेट करता है, कार्डिक मसल्स की डैमेज को इंडिकेट करता है। ये 24 आवर्स आफ्टर MI राइज होता है, ये तरीके से जो सब्सटेंस है राइस 24 आवर्स आफ्टर MI, पीक 48 to 72 आवर्स, देन फॉल टू द नॉर्मल 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन में जो है ये वापस जो है नॉर्मल आता है लविंग फ्यूचर नसी हो। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मेजर रोल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, एंजाइमिक स्टडी कर रहे हैं, हमने सारे एंजाइम के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो LDH भी पढ़ना जरूरी है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द सब्सटेंस विल बी रिलीज आफ्टर डेथ ऑफ द मायोकार्डियल सेल और टिश्यू, बट इसने क्या पूछा 24 घंटे में ये राइज होगा, पीक 48 to 72 आवर्स जाएगा, और बच्चों फॉल 7 to 14 डेज, 7 to 14 डेज, हियर यू कैन सी 7 to 14 डेज बच्चों। तो 24 आवर्स पीक और 7 to 14 डेज फॉल। पूजा आवर्स कहां पुट करें बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? अब मैंने एक बात कही थी बच्चों, मैंने आपको कही थी कि यदि पेशेंट को MI होता है तो MI के सेकेंड डे क्या बढ़ रहा था बच्चों, WBC याद करिएगा, WBC बढ़ रहा था MI के सेकेंड डे, या यही लिखा मैंने व्हाइट ब्लड सेल काउंट एलिवेटेड 10 टू 20,000 सेल पर MMQ ऑन सेकेंड डे ऑफ MI। एक्चुअली क्या होता है, जो इन्फेंट होता है ना बच्चों, इन्फेंट का जो WBC होता है वो 10,000 से 20,000 सेल पर MMQ होता है। यदि चिल्ड्रन का WBC पढ़े ना, तो 10,000 to 15,000 सेल पर MMQ। और मेरे बच्चों यदि अडल्ट की बात करें, तो दैट इज अ 4,000 to 11,000 सेल पर MMQ। ये एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल WBC है, एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल WBC है, और यहां पर जो WBC था वो राइज हो रहा था, और ये WBC राइज कब हो रहा, सेकेंड डे आफ्टर MI, कब राइज हो रहा था, सेकेंड डे आफ्टर MI बाय रविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मायोग्लोबिन जो है ना बच्चों, पूजा कंफ्यूज हो रही है ना, मायोग्लोबिन हमने पढ़ा ना बच्चों, अच्छा आवर्स का पूछे ना, आवर्स बिल्कुल, देखिए ये तो लिखा डिक्लाइन एट द लेवल आफ्टर 7 आवर्स, बिल्कुल सही, क्यों 2 घंटे में बढ़ता है, MI होने के 2 घंटे में बढ़ता है और 7 आवर्स के बाद डिक्लाइन है, बिल्कुल सही है, 7 आवर्स सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, ओके फाइन। आज का इंपॉर्टेंट जनरी यहीं तक थी आज का सेशन, कल मैं फिर मुलाकात करूंगा मेरे बच्चों से, पढ़ के आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, बट पढ़िएगा जरूर, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ना। हाँ मायोग्लोबिन करेक्ट होगा रितिका, मायोग्लोबिन करेक्ट होगा मेरा बच्चा। तो कल फिर मुलाकात करता हूं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।